जो यह है कि जो इसका आय बढ़ने के साथ इसमें व्यवस्था में जो प्रकाश व्यवस्था है पर व्यय का प्रतिशत नहीं बढ़ता है, परंतु जो आय है और व्यवहार है इस व्यवस्था में व्यय के प्रतिशत में वृद्धि होती है। नंबर 5 है, एंजिल ने पारिवारिक बजट में बचत का कोई प्रावधान नहीं रखा है कि आज के युग में प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति नियमित बचत को अनिवार्य मानता है, भले ही वह किसी भी आर्थिक वर्ग का संबंधित क्यों ना हो। बच्चों, एंजेल के नियम में इन्होंने कहीं पे भी अपनी आय को किस तरह से बचाना चाहिए उसके ये कोई भी इन्होंने नियम नहीं बनाए, और जबकि आज जो हमारी आवश्यकताएं हैं या जो हमारी आकस्मिक आवश्यकताएं होती हैं उसके ये हमें बचत करना पड़ता, वो चाहे जिस वर्ग का हो, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, चाहे निम्न वर्ग का हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, वो अपनी परिस्थिति के अनुसार अपनी बचत करता है, जिससे कि वह कभी जो आकस्मिक आवश्यकताएं हैं उस समय वो उनको पूरा कर सके। इसी वजह से बच्चों, आलोचनाओं के माध्यम से को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि वर्तमान परिस्थिति में एंजिल का पारिवारिक बजट संबंधित सिद्धांत अधिक उपयुक्त नहीं रहा। इस सिद्धांत को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार अधिक व्यवहारिक बनाने की आवश्यकता है, इसको और अच्छा और व्यवहारिक बनाने की आवश्यकता है। बच्चों, सिर्फ इतने नियम पे चलने पे यह बजट अच्छा नहीं है। इसके आगे बच्चों कहेंगे व्यवहारिक अथवा प्रतिदर्श बजट। पारिवारिक बजट की अवधारणा कोई सैद्धांतिक नहीं है बच्चों, एक सिद्धांत नहीं है कि उसके अनुसार ही केवल किया जा सकते हैं, वरन यह एक व्यवहारिक महत्व की अवधारणा है। एक प्रत्येक गृहिणी को बजट तैयार करने का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। बच्चों, सिर्फ एक लिखित होने से नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें व्यवहारिक रूप से भी करना पड़ता है, जो कि एक प्रत्येक गृहिणी में ये चीज़ें होनी चाहिए कि वो व्यवहारिक ज्ञान उसके में किस प्रकार से है ये उसमें होना चाहिए। कुछ गृह विज्ञान में छात्रों की जानकारी के लिए भिन्न भिन्न आर्थिक वर्गों के परिवार के लिए उपयोगी पारिवारिक बजट का प्रयोग हम आगे दिया गया है, जो निम्न प्रकार से हैं। निम्न आय वर्ग वाले परिवार में प्रतिदर्श बजट इस प्रकार से होना चाहिए। नंबर 1, जैसे व्यय की